ओम एतस्मै वं वनस्पतिगंधने विद्याय नमः। एतस्मै वं वनस्पतिगंधने विद्याय नमः। एतस्मै वं वनस्पतिगंधने विद्याय नमः। एतगंधपुष्पे वनस्पतिगंधने विद्याय नमः। एतगंधपुष्पे एतदधिपतये देवाय श्रीविष्णवे नमः। एतगंधपुष्पे एतदसंप्रदानाय ओम नमः शिवाय नमः। एतद् वनस्पतिगंधनैवेद्य ओम नमः शिवाय निवेदयामि। हस्त प्रक्षालन। ओम इदं पुनराचमणीय तक ओम नमः शिवाय नमः। तो दोस्तों, ये जो था, ये मैंने आप लोगों को जो वनस्पति गंध नैवेद्य है, यानी कि जो औषधि नैवेद्य है, वो आप किस प्रकार से प्रदान करेंगे, वो मैंने आपको दिखाया। मेरे पास सच में जो है, आज मैंने ये वीडियो बनाऊंगा, मैं उसकी कोई मैंने जो है कोई प्लानिंग आदि नहीं किया था। अचानक मुझे लगा कि ये वीडियो मैं बना देता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ काम आ गया है। इसके बाद शायद ये वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कुछ दिनों के लिए, क्योंकि आप लोगों का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था कि ये औषधि नैवेद्य के बारे में आप बना दीजिए जल्द से जल्द दादा। तो ये जो है, मैंने इसलिए जल्द से जल्द कोशिश की आप लोगों के लिए अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसीलिए जो है, मैं ये जल्द से जल्द जो है, मैंने वीडियो जो है मैंने शूट कर लिया। मेरे पास आप देख सकते हैं, मेरे पास पुष्प आदि कुछ नहीं है। तो जब एतगंध पुष्प कहके धूप के पूजन, यानी कि जो वनस्पति गंध की पूजन जो है वो करना, और एतदधिपतये देवाय या पर भगवान शिव के पूजन करना, उस समय जो है बिल्कुल विधिवत तौर पे जो है, जिस प्रकार से पुष्प आदि से पूजन किए जाते हैं गंध पुष्प से, उसी प्रकार से आप करिएगा। मेरे पास यहाँ पर उसकी व्यवस्था नहीं है। पर एक बात आपको ध्यान रखना है, जब आप जो है ये घुमा रहे हैं, आपने देखा कि मैंने जो है निवेदन आदि किया, उसके बाद जब मैं घुमा रहा हूँ ये जो धूप पात्र लेकर, तब आपको मौन रहना है, तब आपको कोई बातें नहीं करना है, तब आपको संपूर्ण मौन रहना है। ये बात आप जो है ध्यान रखिएगा। आप निवेदन आदि के बाद जब आप जो है ये वनस्पति गंध नैवेद्य जो है आप निवेदन कर रहे हैं, यानी कि घुमा रहे हैं, तब आपको आवाज़ नहीं करना है, तब आपको मौन रहना है। वनस्पति आदि जैसे कि चिकित्सा आदि के लिए वनस्पति औषध आदि का इस्तेमाल होता था, जब वैद्य जो होते थे वो किसी भी प्रकार के कोई उपचार आदि करते थे किसी रोगी आदि के, तो संपूर्ण मौन रहा जाता था वहाँ पर। कहा जाता है कि तभी जो है ना, वो जो सारे औषधि आदि है उसका गुण संपूर्णता से मिलता है। तो इसलिए जब आप औषधि दिखा रहे हैं धूप पात्र में, तो अब जो है आप मौन रहेगा संपूर्णता, और पुनराचमणी अवश्य प्रदान करिएगा। उसके साथ साथ थाली में हमेशा जो है आप थाली में देने की कोशिश करिएगा। अगर आपके पास स्टील की थाली है तो भी ठीक है, पर ये पात्र जो है उसमें आप वो जो है आप पीतल का ही लेने का अवश्य कोशिश करिएगा, बल्कि पीतल में ही आप करिएगा, उसे आप स्टील का मत इस्तेमाल करिएगा। अगर केवल थाली आपका स्टील का है तो ठीक है, पर आप जो जो दानी है, मतलब जो धूप दानी या फिर जो पीतल के जो धूप पात्र है, वो वही आप इस्तेमाल करिएगा। स्टील आदि या फिर दूसरा किसी प्रकार धातु का आप इस्तेमाल मत करिएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से जो है आपको वनस्पति गंध नैवेद्य, यानी कि जो औषधि नैवेद्य जो है, वो भगवान शिव को प्रदान करना है। ये वीडियो मैं बहुत जल्दबाजी में शूट कर रहा हूँ, और मेरा कोई प्लानिंग आदि भी नहीं था। मेरा ट्राईपॉड का भी कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो हो सकता है कि ये वीडियो में आप लोगों को थोड़े बहुत कुछ समस्या मिल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। अगर आप लोगों को देखने में कोई कष्ट आदि हुआ है, तो उसके लिए सच में ये पूरी तरीके से मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे जो है वीडियो और सही तरीके से मतलब जो आप लोगों को समझ में आए पूर्णता, वही दिखाने का। पर ये वीडियो अभी शूट करना बहुत ज़रूरी था। मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आया है कि किस तरीके से आप जो है वनस्पति औषधि नैवेद्य भगवान शिव को प्रदान करेंगे। ये नैवेद्य जो है, आप जो भी सारे मूल, यानी कि फल मूल आदि नैवेद्य आदि दे रहे हैं, उसके बाद ही इसे दीजिएगा। ताम्बूल के पहले दीजिएगा, ताम्बूल के पहले आपको इसे देना है।
जैसे गंजी का आदि भोग, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ही है कि गंजी का या वो जो है वो औषधि नैवेद्य का ही एक रूप है, तो उसी समय जो है आप जैसे कि वो सारे प्रदान किए जाते हैं, विजय शरबत आदि प्रदान किए जाते हैं, उसके बाद ही जो है यह औषधि नैवेद्य यानी कि वनस्पति गंध नैवेद्य जो है वो प्रदान किए जाते हैं। तो मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है दोस्तों। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स करके या मेल करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।